नोटों पर अब नहीं छपेगी महात्मा गांधी की फोटो, आरबीआई ने दिया इसका जवाब। आजाद भारत की करेंसी नोटों के ऊपर आपको देश के पिता महात्मा गांधी की फोटो नजर आती है। इसे हटाने के लिए और इसकी जगह कोई दूसरे महान शख्स की फोटो लगाने पर देश के बहुत सारे व्यक्ति सलाह दे चुके हैं। हाल ही में ये मुद्दा और भी ज्यादा गर्मा गया है। आरबीआई ने सामने आकर इसका जवाब दिया है। क्या आने वाले दिनों में महात्मा गांधी की तस्वीर नोटों से हटा दी जाएंगी? सोशल मीडिया पर चल रही इस चर्चा पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की तरफ से सफाई आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। बता दें, पिछले दिनों एक रिपोर्ट में कहा गया था कि रविंद्रनाथ टैगोर और अब्दुल कलाम के फोटो वाले नोट जल्द जारी हो सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि बैंक नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि मीडिया में कुछ जगह ऐसी खबरें दिखी हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक महात्मा गांधी के फोटो वाली वर्तमान मुद्राओं को बैंक नोटों को बदलकर उसकी जगह अन्य लोगों के चित्र वाले नोट और मुद्रा लाने का विचार कर रहा है। रिजर्व बैंक का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। क्या है पूरा मामला? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रविंद्रनाथ टैगोर और एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर वाली नोट को जारी करने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया था कि वित्त मंत्रालय के अधीन सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SPMCIL ने महात्मा गांधी और एपीजे अब्दुल कलाम और रविंद्रनाथ टैगोर के वाटरमार्क वाले दो सेट IIT दिल्ली के प्रोफेसर दिलीप साहनी के पास भेजा है। प्रोफेसर साहनी उन दोनों सेट में से चयन करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद इसे सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।